नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बीएनएस गुड फार्म से। दोस्तों आज हम बात करेंगे बकरी के बच्चे को दस्त। ये देखिए, ये बकरी का बच्चा, लेकिन उसको दस्त क्यों हो रहा है ये समझना पड़ेगा। इस चीज को जब आप इस चीज को समझ लोगे तो उसका ट्रीटमेंट करना जो है कि बहुत ही इजी रहेगा। जैसे कि बकरी ने बच्चे को जन्म दिया, 2-3 दिन के बाद जो है कि उसको दस्त होने लगता है, और 1 हफ्ते के बाद दस्त होने लगता है, 15 दिन के बाद दस्त होने लगता है, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद दस्त होने लगता है। तो ये देखना पड़ेगा कि पहले दस्त उसको हो क्यों रहा है। जैसे कि 2-3 दिन का बच्चा है और उसको दस्त हो रहा है, 5 दिन का बच्चा है दस्त हो रहा है, तो उसका इलाज कैसे करें। देखिए, बकरी के बच्चे को दस्त होने के कई कारण है। जैसे अभी ठंडे का मौसम है, उसको ठंड लग गया तो ठंड की वजह से उसको दस्त होने लगता है। गर्मी है तो गर्मी की वजह से उसको दस्त होने लगता है। और जैसे कि अभी ये बच्चा आप देख रहे हैं, इसका ग्रोथ देखिए, और ये 2 महीना प्लस का हो गया है, लेकिन इसको एक बार भी दस्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसका अच्छे तरीके से देखभाल किया जाता है। जैसे मैंने कहा, आपका बकरी का बच्चा 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन का हो, 10 दिन का हो, उसको दस्त हो रहा है तो क्या करना है, आपको लेना है 1 ml सरसों का तेल, 1 ml सरसों का तेल लेना है, और उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला करके उसको पिला देना है। अगर बच्चा जैसे आपका नहीं पी रहा है, क्या करना है, 2-3 बूंद सरसों का तेल लेना है और 1 चुटकी हल्दी लेना है, उसको मिलाना है, मिला करके उसके मुंह में ऐसे लगा देना है। वो धीरे धीरे, देखिए, वो धीरे धीरे चाट लेगा। अब एक चीज़ और देखना है, जैसे कि मैंने कहा कि बकरी का बच्चा दस्त क्यों कर रहा है। अब जैसे बच्चा 15 दिन का हो गया, 20 दिन का हो गया है और वो दस्त करने लगा, 1 महीना का हो गया है, जैसे कि बकरी का बच्चा 15 से 18वें दिन कुछ ना कुछ खाने लगता है, वो बाड़े में कोई दाना गिरा है, कोई हरा चारा गिरा है, तो वो खाने लगता है और जुगाली करना सीख जाता है। तो आपको ये देखना है कि बकरा 1 महीना का हो गया है या बकरी 1 महीने की 20 दिन की हो गई है, वो दस्त कर रही है, ज़्यादा दूध पी लिया है, ज़्यादा दाना खा लिया है, ज़्यादा चारा खा लिया है, तो वो अब उसके लिए क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया, जो बच्चे 15 दिन से कम के हैं वो जुगाली नहीं करते हैं, वो कुछ खाते नहीं, सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, तो दूध पीने से, ठंड लगने से या तो गर्मी से उनको दस्त होता है, तो वो सरसों का तेल और हल्दी वाला नुस्खा आप आजमाएं। जो दो नुस्खे बताऊंगा मैं, और दोनों आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों, और एकदम प्रैक्टिकली 100% है, और उससे बकरी के बच्चे का दस्त ठीक होना ही होना है और हो भी जाता है, क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल करते रहता हूँ। तो अब दूसरा, जैसे कि मैंने कहा 15 दिन के बाद 1 महीने 2 महीने का है, तो उस बच्चे को आप सत्तू लीजिए। सत्तू यानी सतुआ, जैसे कि चने का हो गया या जौ का हो गया, चने या जौ का हो गया, उसको लीजिए। और वो लेने के बाद आप उसमें, जैसे कि लेना कितना है, 25 से 30 ग्राम आप सत्तू लीजिए, और उसमें उसका हाफ, जितना ग्राम सत्तू है उसका हाफ गुड़ मिला करके, उसका गोली नुमा बना करके आप उस बच्चे को खिला दें, और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खिलाएं, आप देखिए उसके दस्त से उसको राहत मिल जाएगा। दोस्तों बकरी के बच्चे में दस्त, डायरिया होना आपकी लापरवाही की वजह से होता है। दोस्तों ये दोनों मेरा जो तरीका है वो प्रैक्टिकली आजमाया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि ये बच्चा 2 महीना प्लस का हो गया है और दस्त भी नहीं हुआ, इतना ज़बरदस्त ठंड पड़ा, 1 दिन भी इन लोगों ने लूज मोशन नहीं किया, इनको डायरिया की शिकायत नहीं हुआ है। तो सिर्फ देख रेख विशेष तौर से आपको करना है बच्चों का। और दूसरा, ऐसे मैंने तो दोनों नुस्खा आजमाया हुआ है, आप एक बार आजमा करके देखें, आपके बकरे का दस्त ठीक हो जाएगा। और एक कारण और होता है दोस्तों, मैं बताना भूल रहा था लेकिन अभी याद आ गया मुझे। दूसरा कारण होता क्या है कि जैसे बकरी का बच्चा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना का हो जाता है, आप डिवार्मिंग नहीं करते हो और उसके पेट में वार्म बन जाता है। जब उसके पेट में वार्म बन जाता है तो क्या होता है कि वो वार्म की वजह से, यानी पेट के कीड़े की वजह से जो है कि दस्त करना शुरू कर देता है। तो उसका डिवार्मिंग 20 दिन से 25 दिन 30 दिन के अंदर कर देना चाहिए, मैं तो 10-12 दिन में ही कर देता हूँ, अब आपकी मर्जी, लेकिन लास्ट 30 दिन है। तो ये भी देखना है कि हमने ट्रीटमेंट किया वो ठीक नहीं हुआ, उसके पेट में वार्म है, आप उसको पेट के कीड़े मारने की दवा दीजिए, और जब वो पेट के कीड़े मर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो भी दस्त उसका रुक जाएगा। और अगर नहीं होता है तो आप हमेशा अपने नज़दीकी पशु डॉक्टर के संपर्क में रहें और अपने बच्चे को ले जा करके उनको दिखा दें, हो सकता है कि और कुछ प्रॉब्लम हो और आप उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों इस तरीका जो है कि आप अपने बकरी के बच्चे का दस्त को रोक सकते हैं, यानी ठीक कर सकते हैं ये ट्रीटमेंट करके। तो दोस्तों छोटा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया,
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।